हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर व्लॉग वीडियो। हाँ तो गाइस, व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो अमन के घर से हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर के पास गया हुआ था मैं अमन को लेके, और अमन के घर आ गया था। तो आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो अमन के घर से ही हो रही है। देख पा रहे हो यहाँ पे इसके कपड़े सूख रहे और अंदर पूरी मस्ती बैठ रखी है। तो आपको दिखाता हूँ, देखो कौन कौन है यहाँ पे। तो गाइस, ये बैठा है आकाश, निक नेम शिव। ये अपना आदमी लंबू, प्याज कट रहे हैं। और ये टीटी, ये अपना आदमी पंकज, बन रहे हैं यहाँ पे मोमोज। देख पा रहे हो, आपने कभी देखे हैं मोमोज बनते हैं असली में? ये बन रहे हैं यहाँ पे टीटी, अपना उस्ताद आदमी मोमोज बना रहा है। तो गाइस, डॉक्टर ने जैसा कि अब तबीयत तबीयत का बता रखा है, दवाई लेनी है। अब दवाई लेके आराम से घर बैठते हैं। किसे? हो गाइस, आपको एक आदमी से मिलाना चाहता हूँ। जैसे कि ये आदमी बहुत डकैत है, बहुत गलीच आदमी है भाई का। देखिए इसके बारे में, जो लड़का है इसके बारे में सब गवाह है। भाई आकाश, तेरा क्या कहना है इसके बारे में? है भाई, है सबसे गली, सबसे गलीच आदमी है भाई। टीटी ऊपर देख, तेरा क्या कहना है? गलीच आदमी है भाई। पंकज, तेरा क्या कहना है? भाई तो ये बिल्कुल ही नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी शर्म सी। तो इसे देखिए, आप देख पा रहे हो गए, बिल्कुल बनियान में बैठा है, इसे शर्म नहीं आ रही। तो गाइस, अभी हमारे साथ बहुत तगड़ा फक हो गया है। यहाँ पे इनके लिए केक रखा था नीचे वालों ने, कहा था फ्रिज में रखने के लिए, पर ये आप देख, डकैत बैठा है एक, ये डकैत बैठा है। इन दोनों ने इसमें से केक खा के कहा दिया है कि मैंने खा लिया है। पर जैसे कि मैं आप सबको पता है कि मैंने कोई केक नहीं खाया है, मेरे मुंह से पता लग जाएगा यार मैंने केक। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स नहीं है भाई, हम चारों ने नहीं खाया, सिर्फ एक तो वो करण है, देखा होगा आपने, मोटा। बनियान में बैठा है अपना अमन था, और ये अमन टीटी, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा है कि अमन था, और अमन ने सारा केक फेल दिया है। तुम्हारा भाई बिल्कुल सीधा साधा शरीफ बच्चा है। जिंगा लच्छन अम्मा, ये मेरी फ्रेंच है, जिंगा लच्छन अम्मा का लच्छन अम्मा, अपने ने कोई फ्रेंच नहीं कर लच्छन अम्मे, ये चुसुर है, चुसुर के क्या करे चुमे। तो गाइस, आपने देख लिया, जैसा कि दुनिया का आपको सबसे गंदा गलीच आदमी मैंने दिखा दिया है। तो तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जुकाम हो रहा था। क्या हुआ था कल रात में, मैं आकाश के साथ किसी शूट के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे ठंड लग गई मेरे को, जुकाम हो गया, और अब दवाई चल रही है। तो अमन के घर ही आ गया था, मैं अपने घर तो गया नहीं, मैंने दोपहर का खाना बाहर से ला के अमन के घर ही खा लिया था, हम सारे दोस्त यही इकट्ठे थे। तो अब बाकी का है जो आपको दिखा रखा, पूरा फुल मस्ती हो रही है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मज़ा जो है आकाश ने दिला रखा, जैसा कि आपको पता उसका निकलने में चुस, और किस तो मज़ा ही दिलाया गई वो ठंडा है, इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अमन के घर के पास एक और चीज है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, दो घंटे में गंजापन दूर करे। आकाश, तूने भी यहीं से करवाया था, विग लगवाई थी? नहीं, ओरिजिनल। तो ऐसा करते क्या है कि ये दो घंटे के अंदर अंदर वो ले आते हैं बाल? मैं दो घंटे में ऐसा कौन सा बीज डालते हैं जो दो घंटे में बाल उग जाएंगे? तो गाइस, ये तो अब देखो इनसे ही पूछना पड़ेगा, दो घंटे में, और कर भी सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हो आप, ये हाथी गेट है बिल्कुल प्रॉपर मार्केट के पास, सिटी बॉक्स जिम के पास, और जिसके पास भाई पे बाल वूल लिए वो यहाँ के दो घंटे में बाल लगवा सकता है। पर कायदे में भाई विग ही लगवाते होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं है गाइस, ये घोड़े घोड़े के बाल लगा रहे हैं। गाइस, ये घोड़े के तो बाल खैर लगाने से रहे, तो इसमें सुअर के, हाँ तो ये सारे सुअर के ही बाल लगाने लग रहे हैं, जो हमारे बाल भी उग रहे हैं वो भी सुअर के ही है। हाँ, इतने बाल तो है नहीं, खैर छोटे छोटे है, बीच में गंजा हो गया था, तो नहीं भाई बुढ़ापा नहीं आया था, थोड़ा गंजा हो गया था भाई फैमिली के उससे, कि घर वाले बहुत कह रहे थे बहुत बड़े बड़े बाल कर लिए, ऐसे छोटा कर लिए थे भाई। तू तो खैर, तेरा क्या कहना है, सब जानते हैं अच्छे है। ये बाल देखो, यहाँ भी बाल नहीं, हाँ छाती में, समझ रहे हो ये बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है बच्चा, बिगड़ रहा है, समझ रहे हो तुम, इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहा भाई। जब हम यहाँ से चल रहे हैं मन के घर से, भाई तू ले लिया कबाड़ी का काम, हाँ भाई ये काम भी रहेगा इसके साथ, ये कबाड़ी का काम भी इस्तेमाल कर रहा है। चल भाई ठीक है, लंबू अमन, लंबू भैया बाय बाय, चलते हैं, मोमोज बन गए, ये रहे मोमोज, स्टीम दोबारा खुशबू आ रही तकड़ी। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय कर देते हैं। चल ठीक है अमन भैया, तुम बाय तो कर दो। चलो भाई, अमन बाय कर दिया, तू मेरे साथ चल रहा है, तू मेरे साथ चल रहा है क्या? चलो भाई, ये हमारे साथ चल रहा है। बाइक की चाबी तेरे पे है? मेरे पे है बाइक की चाबी।
इसे दे दी बाइक की चाबी और अब चलते हैं घर क्योंकि जिम का टाइम हो रहा है और दोपहर में खाना भी नहीं खाया, दोपहर का खाना भी यहीं खा लिया है। 10 मिनट तो ये तुम्हारे भाई के धन्नो है, ये चुस्सू जैसा कि बाइक चला रहा है। अब चलते हैं हम अपना घर की साइड। अब हम घर आ गए और ये मेरे साथ ही आ गया था भाई, घर को ने बाहर काट दिया है। गेट खोल दो। काट दिया भाई, अब गेट कटकाना पड़ेगा। तो लग रहा है स्टेशन पे सोना पड़ेगा। कर्मी ऐसे है, कर्म अच्छे है। अब गेट खुलवाते हैं हल्के हल्के, जरा खोल दो भाई। काट दिया क्या घर से भाई? घर वालों ने काट दिया है जैसा है ये डंगर। ओह माय गॉड, क्या कह रहा था यार, बैठा हूँ। ये क्या ले रहा है हाथ में भाई? ठीक है चलो, डेंग रूम का गेट खोल रहा भाई। तो गाइस घर में एंट्री ले ली, लाइट ऑन कर देता हूँ तो बैठ में आ गए तैयार हो गए। तो अब मिलवाता हूँ आपको मैं घर में, बाकी अब जिम का टाइम भी हो गया है, फिर जिम के लिए चलते हैं। चेक पिक रेडी, टाइम हो गया भाई 4:15। मम्मी क्या कर रही? यहाँ बैठा जा रहा है, काम धंधा कुछ है नहीं, भागवत सुनी जा रही है। टाइम हो गया 4:15 भाई, कॉफ़ी बना दो। हाँ बना दो यार, जिम का टाइम हो गया, कॉफ़ी बना दो यार, बना दो यार। नहीं खाना मैं खा लिया, मन के घर ही खा लिया था, अमन के घर खाना खा लिया था मैंने वैसे ही। खाना मैं नहीं खा रहा, रख दो। कॉफी बना दो, मैं जिम के लिए तैयार हो रहा। लेके जा रहा जूते, जूते ओ भाई चोर, जूते रखे। ट्यूशन जा रहा हूँ। चल भाई ठीक है भाई, तू जा ट्यूशन। और गाइज मैं अभी ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे स्टॉप थोड़ी देर, तो मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ और कमेंट में बताना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। गाइस तुम्हारा भाई बिल्कुल जिम के लिए तैयार हो गया है और यहाँ ज़्यादा गुस्सा चल रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, सारा नहीं कहना, क्या चाह रही हो? क्या तमीज से चाय बना दो? एक नहीं बनेगी, बना दो बस, जिम का टाइम हो रहा है, फटाफट जल्दी फटाफट चेक पे। कोई छोटे वाले को नहीं चाहिए, वाले को नहीं चाहिए भाई। तू कॉफ़ी पिएगा है? तो गाइस इसे बताना कि जरा ये डंगर इतना मोटा हो रहा है भाई। ओ इधर ऊपर देख, तुझे लगता है कि तू कॉफ़ी पीने लायक है? नहीं है ये कॉफ़ी पीने लायक, बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट में बताना कि है नहीं है पीने लायक। और भाई 4:30 हो गए हैं और मम्मी भागवत देख रही थी और बाकी अपना आदमी चुस्सू ये यहाँ बैठा है। भाई क्या कर रहा बैठा हुआ? सोच रहा हूँ भाई मूवी के बारे में, सोच ले। और गाइस जैसा कि है मूवी क्या कैसी आने वाली? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड मूवी आने वाली है, बहुत हार्ड तगड़ी मूवी बनाने वाले हैं भाई। और जैसा कि मूवी के बारे में हमने सोच रखा है, जो कि थीम होगा वो तो फोन ले रखे तभी तो जोड़ रहा, तगड़ा हिसाब बनाना है। चल रहा यार थोड़ा कुछ दिमाग में भाई, दो फोन दिखा रहा क्या? नहीं दो फोन, दो फोन अपने पे भी है, एक फोन से ब्लॉग शूट हो रहा है, एक फोन ये भी है, दिक्कत कोई नहीं है। तो तबीयत हो रही है बहुत ज्यादा खराब। तो भाई आज जिम में क्या मारेगा? तुम्हारे साथ जिम चलेगा? तू चलेगा जिम? तो ये भी मेरे साथ जिम चलेगा और आज मारेंगे बाइसेप। यार मैं काला नहीं लग रहा ज्यादा? मैं भी काले क्यों लग रहे हैं? लाइटिंग कम है? नहीं गलत काम हम करते नहीं है, जैसे कि आपको पता है हम बहुत सुधरे हुए बालक हैं। और कॉफ़ी हमारी आने वाली है और जिम का टाइम का इंतजार है। हाँ भैया डंगर जी, भैया आप भी आ गए हो, आपका कुछ कहना है? बॉल भैया पहले इधर आओ, आपने इधर आओ जल्दी इधर आओ, मेरे पास आओ। एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, आप तो मिनट आओ तो यार, इधर बैठ इधर बैठ जाओ जल्दी, टाइम नहीं है भाई। मेरी YouTube फैमिली को हाय कर पहले, बच्चे सब्सक्राइब के लिए बोल।
बोल ढंग से, दारू नहीं मांगनी ढंग से बोल भाई, दारू नहीं मांग रहे हम YouTube फैमिली से। प्यार करो, क्या करो खा रहा यार तू तो यार, प्यार से क्या प्यार से बोल दीजिए, एक प्लेट स्टीम सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो स्टीम। YouTube फैमिली जैसा भाई ने कह दिया सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो, तो मेरी नहीं तो अपने छोटे भाई की ही सुन लो। और थोड़ा गाइस थोड़ा प्यार दिखाइए यार, तुम्हारा भाई इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग बना रहा है भाई, तेरा कुछ कहना है? प्यारे तो है नहीं, देखो स्टार्टिंग है खैर हाँ झूठ नहीं बोल रहे भाई, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा, थोड़ा बहुत कर दो यार सपोर्ट, हमें कोई वैसी नीड नहीं है कि आप 9% 5 में खुद लगा दो। नहीं भाई तो गाइस अभी आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाते हैं, अभी हम एक प्रैंक कॉल करने वाले हैं और इसकी मैम पे, क्योंकि ये थोड़ा मॉडलिंग करता है और इसकी जो मैम है वो बच्चे की रिगार्डिंग के लिए कुछ बात करना चाहती है, तो मॉडल के लिए, तो अब ये मेरे को एक डायरेक्टर बना रहा है और कह रहा है कि भाई तू बात कर ले मैम से, तो भाई मेरा चलो नंबर तू है, कोई नहीं यार हम समझ फर्जी डायरेक्टर, तो गाइस फोन मिला दिया है, अब ये मेरे को नंबर, अब सुन लो गाइस। हेलो कैसे हो मैम आप? बस मैम अच्छा हूँ बस। मैम मैंने बोल रखा है अभी ये शो चल रहा है विकास भाई का, उसमें गए हुए परसों का शो है उनका, तो उसमें गए हुए वो, तो मैंने उनको बोल रखा है टेंशन फ्री रहो मैम, बाकी यार मैं ना सही बताती झूठ नहीं बोलते, काश मैं ना जो कहा है ना मैं वो दूंगी, पार्टनर है तो मैंने उसको बताया था कि मैम वो शो करवाती है, तो उसने बोला कोई नहीं मेरी बात करा दी, मेरे पास भी है 5-6 एंट्री वो भी करवा देगा, तो मैं आपकी बात करा दी उससे। बाकी देखो यार मैं मेरे को एंट्री करवा दे, देखो अगर वो 10,000 में करवा दे तो ओके, वैसे मैं चाहूंगी कि लड़कियों की एंट्री 10,000 में हो, उनको क्राउड की ज्यादा डिमांड होती है और वो क्राउड भी अच्छा चाहिए होता है, और मैंने चाहती थोड़ी टॉस हो गई चाहे इसी करके, तो मैम मैं बात करा देता हूँ आपकी उससे, वो मेरे पास ही था और आप उसको बता देना जो भी है, लो मैम बात कर रही हूँ मैम, टेंशन फ्री रहो वो मेरी तरफ से तो है ही, मेरे को शो आए हुए इतने, मैम मैं आपको स्क्रीन शॉट भेज दूंगा, मेरे को बोल रहे पास 18 को आ रहे हो या मैम ना होगा वैसे ना ट्राई करना, देखो गर्ल्स का ना दर्द हो जाए बॉयज का तो मैं साथ में कर दूंगी, लो मैम आप उससे बात कर लो, लो ठीक है ओके, मुझे नंबर दे दो या कॉल पे ले रहे हो? मैम साथ में ही है मेरे वो। अच्छा साथ में ही, हां बात कर रहा हूं। अच्छा लो मैम, मैम कैसे हो? हाय फाइन, आप कैसे हो? मैं बढ़िया मैम, बताइए आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक, कार्तिक मैं हमारा ना शो हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे हमारा तो किस चीज के रिगार्डिंग करा रहे हो आप शो, एक रनवे मॉडल या फैशन? अच्छा फैशन शो के रास्ते जी, इंडिया मैम आपकी हम किस चीज में हेल्प कर सकते हैं कि आप क्या? अच्छा नहीं मैम देखिए, अगर देखिए मेरे पे अगर 1% मैं आपको अपने मॉडल देता हूँ ठीक है, मेरे पे इस टाइम एक काम कर तू, मैम को अपनी तरफ से ये जो पुनीत वाली टीम है 7 मॉडल तो वो कर दे, तो मैम मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प है वो मैं आपके 5 मॉडल करवा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, है नी? क्योंकि क्योंकि अभी आकाश का, आकाश ने मेरे को एक बात बताई है, तो इसके मेरे 4 मॉडल इसके अलग टीम में जा रहे हैं, एक और शो है इसका आकाश करा रहा है जो, मैम जनवरी में ही एक शो है इसका आकाश का मुजफ्फरनगर में, तो वो 14 को 13 को है, 14 को शो है, तो मैम इसी चक्कर में जाना, क्योंकि मैम मॉडल से इतने वो नहीं होते कि वो कहेंगे कि भाई तुम पहले वहाँ भेज रहे हो अभी यहाँ भेज रहे हो, क्योंकि मैम हमारी इतनी डिमांड नहीं होती मॉडल्स की, 100 बार डिमांड है कि भाई हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए। गाइस देखा आपने अभी हमने एक प्रैंक कॉल करी थी, तो जो कि वो इसकी मैम थी वो आप समझ रहे होगे थोड़ा पैसे को लेके थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो पर बच्चा जैसे कि ये मॉडलिंग शो कराता है इसमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी ना मॉडलिंग फीस देनी पड़ती है, कि पार्टिसिपेंट जैसे होते हैं फॉर्म भरते हैं 10,000 अमाउंट दे दी उसमें 20,000 अमाउंट दे दी,
तो वो मैम ने थोड़ा गेम खेल रही थी, मैम कह रही थी कि भाई मैं 10,000 अपने पास रखूंगी और तुम आगे 20 में बात कर लो और 10,000 आप अपने पास रख लेना। मैंने कहा मैम हम ऐसा काम नहीं कर सकते। क्यों भाई आकाश, बच्चों के साथ खेलना चाहेगा तू? बिल्कुल भी नहीं पछता। तो गाइस हम किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाह रहे, ठीक है? तो बाकी अगर जो बच्चा मॉडलिंग भी करना चाहता है या कुछ करना चाहता है वो हमें पता कॉन्टेक्ट कर सकता है आकाश को। ये प्रोफेशनल मॉडल है, रनवे मॉडल भी है, और आप इसका इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाके आप चेक भी कर सकते हैं। फाइनली अब हम जिम के लिए निकल रहे हैं और भाई भी जा रहा है ट्यूशन साइकिल पे। और भाई तू जा रहा नहीं जा रहा, तूने ड्रामे मचा रखे हैं डंगर। चल भाई ठीक है भाई, ओए टाटा तो बोलता, टाटा नहीं बोलता, बोल नहीं रहा क्या तू? टाटा बाय बाय बोल दिया। तो भाई भाई ने बाय बोल दिया, तो बैठ बाकी मैं तैयार होके आ रहा, बाल बूल बना लूँ। तो अब निकलते हैं जिम के लिए। काम ये कौन सा काम हो गया भाई? ये क्या काम है, ये क्या काम होता है? ये कोई काम नहीं होता। हमसे पूछो हम कितनी मेहनत करते हैं। 20 रुपए देना, मेरे पास कोई 20 रुपए नहीं। दे दो यार भाई, मेहनत भी कर लेंगे। दे दो यार 20 रुपए दे दो, 20 रुपए तो मांग रहा। अरे दे दो यार 20 रुपए, मैं तो बड़ी जन्नत आ जाएगी यार। देना 20 रुपए दो जल्दी, यहाँ पे कुछ नहीं, अपना काम करो। दे दो यार। तो गाइस देखो 20 रुपए देने के लिए भी मेरी मम्मी मना कर रही है, आपकी भी लोगों की मम्मी मना करती है 20 रुपए के लिए। दे दो मम्मी, दे दो यार 20 रुपए तो मांग रहा, दे दो यार। ऐसे करोगी क्या मतलब तुम? बस ठीक है भाई ना कर दी, तो अब चलते हैं जिम। बाकी पैसा तो कोई मिल नहीं रहा है, करना भी क्या है वैसे का। फाइनली जिम के लिए निकल चुके, एक मूछ खड़ी है एक बैठी है। यार ऐसे कैसे हो रहा, क्या कह रहा, दोनों नहीं खड़ी होगी? ये भाई भी मजा ले रहा है हमारे पीछे पीछे। हाँ भाई हेलो कर दे, कर नहीं रहा भाई, गुस्सा हो रहा है, हेलो नहीं कर रहा भाई अगला बंदा। तो भाई अब जिम में मिलता हूँ मैं आपसे, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, जिम का ट्रेनर आज मेरे छठे ही छठे मारने वाला है। तो गाइज अब हम आ गए थे मंदिर की तरफ और यहाँ पे मैंने आकाश को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जिम और मिलता हूँ मैं आपको जिम में। तो गाइज फाइनली जिम में आ गया हूँ और मैं आपसे जिम करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज फाइनली वर्कआउट चल रहा है और अब बाइसेप कर रहे हैं, बताना बाइसेप कैसा लग रहा है। स्मार्ट लग रहा है नहीं लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट में बताना। बाइसेप है क्या? तो गाइस मैं जिम के बाद सीधा मंदिर आ गया था और मंदिर इस टाइम खाली है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है और हम सुनसानों के राजा हैं, जहाँ भी पहुँच जाते हैं हम सुनसान एरिया में पहुँचते हैं। तो ये है दल्ला जिसे कहा जाता है चुस्सू, ये 3 लाख का हीरा कब्जा बैठा है मेरा, और ऐसी जगह कब्जा है बैठा है जहाँ मैं हाथ मारना भी साला शर्म की चीज़ समझता हूँ। भाई तो कोई तेरा कॉल उठावे ना उठावे, तू मुझे 3 लाख का हीरा देगा। इस नंबर से तो इसकी क्या है, इसने क्या 3 लाख का हीरा की मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। कह भाई मेरे को कहता है कि जो इसकी बैक है, समझ रहे होगे बैक, वो कह रहा, मैंने कहा अगर बेचेगा तो कितने की बिकेगी? कह रहा भाई करोड़ों रुपए की। मैं कहा ऐसा क्या है तेरे करोड़ों रुपए में भाई तू बेचेगा? तो कहने लगा भाई हीरे की है। अब यो चीज देना नहीं चाह रहा है कि इसमें है क्या 3 लाख का। चौधरी को अच्छी अच्छी बात करे, चौधरी तो खुद ही स्मार्ट है तो अच्छी अच्छी तो बात करेगा। ओ माय गॉड कितना स्मार्ट बच्चा है, ओ माय गॉड। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? वैसे खिलासी लाइन भाई, हम जा रहे हैं इस टाइम पे खिलासी लाइन। और क्या कह रहे, खाना क्या है? राजमा चावल में खाता नहीं भाई, को टंका बना दो। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया था और थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा, जिम में आज मैंने पैसे मार लिए थे और जैसे आपको दिखाऊंगा, देखा होगा पीछे वीडियो में भाई सब रखे तुम्हारे भाई के पूरे तकड़े। और अब शाही पनीर बना दो और साथ में कॉफी बना दो, कॉफी के साथ कुछ और बढ़िया सा बना दो। ये बन रहा है राजमा, बन गया है, और चावल। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब के लिए कह दो कि सब्सक्राइब कर दे, जो जो देख रहे कह दो। हंस रहे हो, सब्सक्राइब है यार, शर्माने लग रहे भाई, ये तो शर्माने लग रही। सब्सक्राइब के लिए कह दो भाई, मेरी YouTube फैमिली को कोई सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। आप खुद कह दो ना भाई, मैं तो कहने लग रहा, मेरी सुन नहीं रही हो, सुन नहीं रहे भाई यार, दांत यार हसन लग रही है यार, बता यार सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलना जा रहा यार इनसे यार। तो गाइस मम्मी की तरफ से भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और बाकी तुम्हारा भाई अब मिलता है तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।